कल्याण की भावना वाले महापुरुष परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी अपार करुणा का घोग बरसाते हुए समस्त प्राणी मात्र के भाव दया चिंतवन करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए राजगृह नगरी में पधारते हैं। कोई ही नगरी ऐसी होती है जिस नगरियों में महापुरुषों का बार बार आगमन होता है, वैसी वो सद्भागी नगरी थी, वो भूमि थी जिस भूमि को इतिहास के सुवर्ण पृष्ठों के ऊपर अंकित होने का भी सद्भाग्य मिला है। और कई उस भूमि के अंदर रहे हुए लोगों के पुण्य के द्वार उस महान पुरुषों के पदार्पण से प्रकट हुए थे, खुले थे, जहां पर संतों का, सज्जनों का, प्रभावक व्यक्तियों का, पुण्य आत्माओं का पदार्पण होता है, वो भूमि जग जाती है। वो घर एक सद्भागी बन जाता है। अहमदाबाद के अंदर भी अठी सिंह भाई की वाड़ी है। उस अठी सिंह भाई की श्राविका का नाम था हर कुंवर बहन। वो हर कुंवर बहन जिस घर में जाकर एक पानी का ग्लास पानी भी पी लेवे, उसका दुर्भाग्य, दुख, दरिद्र खत्म हो जाता था। ऐसी उसके पांव में निधान थे, सद्भाग्य थे, पुण्यशाली आत्मा थी वो। तो जब वर्तमान समय में भी ऐसे लोगों के पदार्पण से लोगों का भाग्य चिन्ह बदल जाता है, तो महापुरुषों का जहाँ पदार्पण होता हो, महापुरुषों की जहाँ बार बार पधरामणी होती हो, उस गांव की शक्ल न बदले कभी वर्णन ही नहीं सकता है। जिस घरों में ऐसे महापुरुषों के पदार्पण हो और कृपा हो, उनका यदि पुण्य प्रकट न हुए, ऐसा इतिहास कभी बनता ही नहीं है। बस होना चाहिए पुण्य अपना के अपन ऐसे लोगों से जुड़ सके, ऐसे पुण्यात्माओं की छाया में बैठने का अपन को योग मिले। यहाँ पर भी प्रभु महावीर बार बार विचरण करते हुए राजगृह में पधारते हैं, और वहाँ के लोग भी कैसे भावुक, भक्ति वाले और भव्य भाव वाले थे। सारी चीजों को गौण करके दौड़ दौड़ के जाते थे। हाँ, कोई रिटायर नहीं थे, अभी तो इतने नौकर चाकर कंप्यूटर क्या मालूम व्हाट्सएप कितने चलते गए, अमुक काम तो ऐसे के ऐसे ही हो जाते। उस जमाने में तो हर काम हर व्यक्ति को करना होता था, तो भी जैसे समाचार मिले या मिलता वैसे सैनिक भी खुद दौड़ के जाता, अभय कुमार भी भाग के जाता, और शालीभद्र जैसे अनेक श्रीमंत श्रावक सज्जन भी उस परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अपन लोखंड है न वो पारस मणि है। पारस मणि का यदि संपर्क होता है तो लोखंड भी सोना बन जाता है, मगर ये तो पारस मणि से भी बढ़कर होते हैं महापुरुष। पारस मणि तो सिर्फ लोखंड को ही स्वर्ण बनाता है, मगर महापुरुष तो लोखंड को अपने समान बना देता है, खुद का पद दे देते हैं, वो महापुरुष होते हैं। ऐसे प्रभु का सानिध्य पाकर वो महाश्रावक बनने के योग्य आत्माएं। कोई जन्म से महान बनता नहीं है, कोई जन्म से कोई बड़ा व्यक्ति बनकर जन्मा हुआ नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी करनी, अपनी कथनी और अपने कार्यों से महान बनता है। इसलिए तो संत अपन को बार बार समझाते हैं कि विचार
वाणी और उच्चार, इन तीन को पवित्र बनाओ। किसको पवित्र बनाओ? विचार। सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा मत कहो। शक्ति होए ने तो उन्हें हेल्प करो, उन्हें मदद करो, उनकी अच्छाइयों को लोगों के बीच में आप गावो तो औरों को भी अच्छा बनने का सोच आएगा, विचार आएगा। यहां पर भी वैसे ही विचार थे, वैसी ही वाणी थी और वैसे ही उच्चार थे इन लोगों के, इसलिए उनको महापुरुषों के पास जाने का मन होता था। आजकल लोगों को साधु संतों के पास या परमात्मा के मंदिरों में या तो शुभ स्थानों में या तो अनुमोदना के अवसरों पर जाने का मन क्यों नहीं होता है? उनकी सोच यानी विचार गलत है। उनका वाणी गलत है, उनके उच्चार गलत है, इसलिए आजकल लोगों के जीवन में जब समस्याएं आती है, जब टेंशन आता है, जब उपाधि आती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते। पहले इतने आपघात नहीं होते थे, पहले इतने दरियों में, समुद्र में या ऊपर से नीचे या पॉइजन खाकर या अग्नि स्नान करके या गलत ऐसे निर्णय लेकर मरने वालों की संख्या पहले नहीं मिलती थी, मगर आज तो रोज पेपर में पढ़ो झाड़ के ऊपर लटक गया, फांसा खा लिया, पंखे के साथ रस्सी बांध दिया, जीवन खत्म कर दिया, जहर पी लिया, खत्म हो गया, काकरिया में कूद पड़ा, साथ में मार से गिर पड़ा, क्या क्या घटनाएं सुनने को मिलती है। क्यों? कि अपने विचार, अपनी वाणी और अपना उच्चार ये सब अशुद्ध बना हुआ है। और इसका कारण है शिक्षा गलत मिल रही है, साथ गलत मिल रहा है। कहीं भी बैठो जहां अच्छा सुनने को मिले, अच्छा समझने को मिले और अच्छा जानने को मिले वहीं बैठो, मगर जहां बैठने से, जहां उठने से, जहां जाने से यदि अपनी आदतें गलत होती हो, विचार गलत होते हो, सोच गलत होती हो, मत बैठो। पहले तो संयुक्त कुटुंब को देखकर लोग खुश होते थे, आहा 10 लोग साथ में रहते हैं, 20 लोग साथ में रहते हैं, 25 लोग साथ में रहते हैं। और आज तो पहले ही बातें क्या होती है, ब्लॉक अलग है कि नहीं है, ब्लॉक अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां जहां बैठते हो, जहां जहां उठते हो, वहां वहां स्वार्थ, वहां वहां प्रपंच और वहां वहां विश्वासघात, उसके अलावा अपन को सुनने को समझने को नहीं मिलता है। इसलिए नाम उन्नी जनों का रहेगा, नाम उन्नी जनों का रहेगा जो धर्म में मन लगाएंगे, जो धर्म में धन लगाएंगे या जो धर्म में मन लगाएंगे, सोच और विचार करके तो जिंदगी बर्बाद करने वाले जगह जगह पर मिलेंगे। और धन वाले कंजूस तो जहां में जोड़ जोड़ के मर जाएंगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जोड़ जोड़ के मरने वाले और एक तो घूम घूम के लोगों के दिमाग को खराब करने वाले। इन दोनों से दूर रहना है, कंजूसों से भी दूर रहो और जो घूम घूम के लोगों को गलत बातें बताते हो ने, ऐसे लोगों से भी दूर रहो। क्यों?
कि जो पूरे दिन अपन को बातें बताते रहते हैं ने, वो अपन को दूसरी अच्छी सोच करने का मौका नहीं मिलने देंगे। और जो कंजूस है ने, वो जिंदगी में अपन को अपना नाम, अपने माता पिता का नाम या सुकृत या पुण्य का काम करने का मौका जिंदगी में आने नहीं देंगे। इसलिए वो उस राजगिरी नगरी के लोग ऐसे बुद्धिशाली थे, जो सुना आपने कि प्रसन्नजीत राजा दो पहला और छेले की परीक्षा, 100 बच्चे। हाँ, आज तो परीक्षा कहाँ करते हो, करते हो परीक्षा कभी? मस्का पॉलिसी चलती है दुनिया में, क्या चलता है दुनिया के अंदर? घटनाएं और दुर्घटनाएं तो क्षण क्षण बनती है, मगर जीवन के अंदर जिन्होंने कुछ समझा होता है, कुछ पाया हुआ होता है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। तो ये प्रवचन और कुछ नहीं है, जिंदगी संवारने का एक तरीका है। ये प्रवचन और कुछ नहीं है, उत्कृष्ट वचन जिसमें मिलते हैं। भगवान ने उन समय के अंदर उन पुण्यवान व्यक्तियों की योग्यता, भव्यता, भावुकता, ये सारी चीजें देखकर उन्होंने ये बातें बताई। शिवजीनाम प्रणमीय, भगवान वीर को, महावीर को प्रणाम करके अभय कुमार ने पूछा, भगवान साधदेन कृत्यम, हम श्रावक सज्जन कैसे बन सके? कल बात बताई थी छोटे महाराज ने, एक श्रावक होता है, एक जैन होता है, एक बनिया होता है। बताया था कल, वाक्य उसकी बाकी है, वो करेगा। श्रावक यानी श्रद्धालु, श्रावक यानी विनय और विवेक वाला, श्रावक यानी क्रियाशील, समय का बिल्कुल दुरुपयोग न होवे उसका ख्याल रखे, यानी अच्छे अच्छे क्रिया और कर्म के अंदर मन को लगावे, वो श्रावक। हर चीज का सही सदुपयोग करे वो, ऐसा ही वो सज्जन अभय कुमार बुद्धिशाली। हर व्यक्ति का नाम शास्त्रों में नहीं आता है, हर व्यक्ति का नाम संतों के मुख में से नहीं निकलता है। कुछ गरिमा होती है, कुछ गुण भरे हुए होते हैं, कुछ उनके अंदर शासन समाज के लिए समर्पण की भावनाएं होती है। ऐसे व्यक्तियों के नाम ही गुरुओं के मुख में से निकलते हैं। और भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि प्रभु बताओ हमें, हमारा जीवन धन्य कृत पुण्य कैसे बने? नेमनाथ भगवान पधारते तब कृष्ण महाराज उनके भाई लगते हैं और पूछते हैं, चारित्र धर्म असक्त रक्त आरंभ परिग्रह, हे प्रभु हम तो चारित्र लेने के लिए तो हमारी कोई समर्थता या पुरुषार्थ नहीं, समर्थता है, चारित्र लेने का समर्थता आप लोगों में है, क्योंकि हम कोई ऊपर से नहीं गिरे, हम भी आपके घर में से ही तो आए, मगर हमने हमारा पुरुषार्थ किया है, हमने हमारा मन बनाया है, हमने हमारे मन को दबाया है, तब जाकर हमको संयम मिला है। मगर इकरार कर रहे कृष्ण नेमनाथ प्रभु के भाई, जैन इतिहास के हिसाब से बात कर रहा हूं, चारित्र धर्म अशक्त, प्रभु हम चारित्र नहीं ले सकते, क्यों? कि रक्त आरंभ परिग्रह, हम परिग्रह में खुचे हुए, आरंभ समारंभ में पड़े हुए, मगर मुझे आत्म उद्धार कारण तुम वीर कौन कहे? हमारे आत्मा का उद्धार भी हमें करना है,
आपको लगता है आपका आत्मा का उद्धार करना है, ऐसा इसलिए तो आए ना आप। आपको लगा मन में कि हमें हमारे आत्मा का कुछ न कुछ उद्धार करना है, कुछ निर्मलता लानी है, कुछ कर्मों को हमें तोड़ने हैं, इसलिए आप आए और इसलिए आप सामायिक में बैठ रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, परमात्मा की पूजा पाठ कर रहे हो और अपनी यथायोग्य शक्तियों का संपत्तियों का सदुपयोग भी कर रहे हो। मगर दिनों दिन अभिवृद्धि होनी चाहिए, दिनों दिन जैसे आरंभ समारंभ का कोई सीमा नहीं है ने कि सीमा है, एक दुकान की दो दुकान की तीन, फिर फैक्ट्री, फिर बड़ा एक भवन, फिर एक टावर, फिर क्या मालूम क्या 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 आप बढ़ाते जाते हो। बस वैसे ही आत्मा को निर्मल बनाना है तो अभय कुमार जैसी बुद्धि अपन को चाहिए, और इसलिए लिखा जाता है कि अभय कुमार की बुद्धि, अभय कुमार को अभी तक मंत्री पद नहीं मिला था, भगवान महावीर जैसे उनके मार्गदर्शक गुरु थे, मगर तो भी उसने भगवान को नहीं पूछा कि प्रभु कब योग आ रहा है, काय का राजगादी का, जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे। इसलिए जीवन में त्याग को ही पकड़ के रखना, क्योंकि त्याग में, तपस्या में, दान में, धर्म में यह ताकत है अशुभ कर्मों को तोड़ने की। और जितने अशुभ कर्म अपने टूटे उतना अपनी मन की जो साता वेदनीय की इच्छा है ने, पाने की जो इच्छा है ने, ऑटोमेटिक बिना मांगे पूरी होती जाएगी। इसलिए अभय कुमार ने पूछा, प्रभु बताओ हम क्या करें। तो प्रभु ने पहले बता दिया कि दृष्टि रागी मत बनो। हाँ क्यों? कि आंख खुली रखोगे तो खड्डा दिखाई पड़ेगा, आंख खुली रखोगे तो समुद्र आएगा तो मालूम पड़ेगा कि समुद्र है, चल देख के चलना है। आंख खुली रखोगे तो मालूम पड़ेगा कि कांटे है, कांच है, यानी गुणानुरागी बनो। आंख खुली रखना यानी गुणानुरागी बनो, ये सकल संग है। जब संग पूजा होती है ना, तब अपन पूछते हैं कि तू रात्रि भोजन करता है, तू दर्शन करता है, तू कंदमूल तो नहीं खाए ने? नहीं, कोई पूछा नहीं जाता है। वहां तो जो भी श्रावक या जो भी श्राविका या भी जो भी धर्मी आत्मा निकलता है, उन सबको कंकु का तिलक करके और कभी कभार दूध से उनके पांव धोकर बहुमान पूर्वक मालूम है कि ये आदमी रोज रात को जाता है। कहाँ जाता है मालूम है? तो अभी धोवन पाँव बनना, तो अभी लगाओ कंकु बनने। क्यों? कि संग में सब समान, सब गुणी है, सब गुणी है। और इसलिए तो वस्तुपाल तेजपाल को राजा वीर धवल ने कहा कि वाह मंत्रीश्वर, इतना बड़ा संग लेके आप जा रहे हो, इतना बड़ा मैनेजमेंट में नहीं कर पाऊंगा, मगर मेरी इच्छा है कि मेरे राजमहल में, मेरे रसोड़े पर भी आप आओ, अच्छे अच्छे, क्या बोला, अच्छे अच्छे जो भी आपके संग में है, ऐसे 5,000 लोगों को लेके आओ। वस्तुपाल ने विनम्रता से हाथ जोड़ के बोला, महाराजा धीराज, मेरे इस संग के अंदर सब अच्छे हैं, सब अच्छे, कोई बुरे नहीं है। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि महाराजा धीराज, पूरे गुजरात की प्रजा को लेकर मेरे रसोड़े पे आप जिमने पधारो। ये हमारी महाजन समाज थी, ये हमारे महाजन थे कि जो इतना बड़ा दिल रखते थे, इतना बड़ा गौरव रखते थे कि अपने साधर्मिकों का कहीं भी इंसल्ट, कहीं भी अपमान, कहीं भी खराबी ना लगे, इस तरह से रहते थे। इसलिए
संतों को लिखना पड़ा, शास्त्रों में लिखना पड़ा, महाजनो येन गतस पंथा। कहां चलना, उसका अर्थ है कहां चलना, तो नीति में लिख दिया महाजनो येन गतस पंथा। जिस रास्ते पर महाजन चलते हो ने, उस रास्ते पे चलना, क्योंकि ऐसी नीति थी, ऐसा न्याय था, ऐसा जीवन था, ऐसे व्रत थे और ऐसा उनका बलिदान और त्याग था। मौका आया तो महाराणा प्रताप के लिए भामाशाह ने अपने पूरे के पूरे भंडार भी खुले रख दिए थे। हाँ, ऐसी महाजन समाज थी, और इसलिए उस महानता के जो गुण थोड़े बहुत अपन भूल चुके, थोड़े बहुत अपने से छूट गए हैं। खान तो हीरा की है, खान कौन सी है, हीरा की है, मगर हीरा की खान में जो मिट्टी जमा हो गई है, और मिट्टी को निकालने का काम कौन करता है, झवेरी। उसमें से मिट्टी मिट्टी को निकाल के हीरे को अपन को ऊपर लाना है। बस वैसे ही अपने जीवन के अंदर जो भी दुर्गुणों की मिट्टी आ गई, ईर्ष्या की मिट्टी आ गई है, ईगो की मिट्टी है, जम चुकी है, उन सारी मिट्टियों को हटाने के लिए अपन ने सात गुण, सात दिन कृत्य नाम का ग्रंथ चातुर्मास में पढ़ने का शुरू किया है। और प्रभु को पूछ रहे हो श्रावक, प्रभु बताओ हमारा कल्याण कैसे होवे, कि थोड़ी भी हम क्रिया करें और हमको बड़ा लाभ मिले। और इसलिए हमारे सूत्रों में भी लिख दिया, इक्को भी नमुकारो जिनवर वस्यमानस संसार सागराओ तारी नरम वनारी वा। ऐसा नमस्कार लाना कैसे, हीरा तो सामने पड़ा है मगर जेब में रुपये होंगे तो हीरा मिलेगा के? नमस्कार तो रोज अपन कर सकते, रोज कर रहे, मगर उस नमस्कार के भाव कैसे लाने, तो बता रहे सबसे पहले तो कि दृष्टि रागी मत बनो। बस जहां गुण दिखाए, जहां गुणी दिखाए, जहां तब दिखाए, जहां ज्ञान दिखाए, जहां कोई अच्छी चीजें दिखाई पड़े आपको जिस किसी में, उन सबसे मैत्री भाव क्या करो, मैत्री भाव गुणानुराग, उनसे अच्छा रिलेशन बनाओ, क्योंकि तो वो अच्छाई अपने में आएगी। दूसरे नंबर में बताया धर्म का द्वेष नहीं करना, धर्म का द्वेष यानी कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है सपोर्ट करना, कोई भी व्यक्ति की अच्छा काम करने की भावना है बार बार उसको प्रेरणा दो, कल्याण मित्र बनो, उसे प्रेरित करो कि भाई कार कल का क्या भरोसा है, 1000 की नोटें चले गई, 500 की नोटें चेंज हो गई, 2000 की नोटें कब क्या होगा पता है, कोई पता नहीं है, है? कर ले किया सो काम ने भजा सो राम। इसलिए धर्म का प्रेम पैदा करो, मगर धर्म का द्वेष नहीं होना चाहिए। धर्म का द्वेष करने वाला धर्म के लिए लायक नहीं है, और दृष्टि रागे भी धर्म के लिए लायक नहीं है। तीसरे नंबर में बताया मूर्ख, मूर्ख लोगों का संग नहीं करना। हाँ, टको देनो मूर्ख को, हाँ मूर्ख को टको दो, यानी पैसा दे सकते हो मगर उसको अक्ल मत दो। महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर महावीर धाम, सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है।
जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलिशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलिशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। परमात्मा श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा, परम पूज्य दादा गुरुदेव, कच्छाधिपति वचन सिद्ध महायोगी श्री दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम इष्ट देव श्री नाकोड़ा भैरव देव, भगवती श्री पद्मावती देवी के पावन आशीर्वाद सहाय से वर्षों का सपना साकार हो रहा है। इस भव्य श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र, जाप ध्यान निष्ठ राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद मार्ग दर्शन से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में जैन तीर्थ का भव्यतम निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महानगर मुंबई में प्रवेश का एकमात्र राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पुण्योदय से नाकोड़ा धाम में सभी संप्रदाय एवं समस्त समुदायों के पूज्य आचार्य आदि मुनिवर साधु साध्वी जी गुरु भगवंतों की वर्ष भर में लगभग 4500 से 5000 गुरु भक्तों की पधरामणी होती है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में सभी गुरु भक्तों की सबहुमान वैयावच्च भक्ति का सुंदर लाभ लिया जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र।